You're absolutely right, Mr. Mahajan. Show Dada Babu. आप दोनों अपने अपनी प्रेजेंटेशंस अलग अलग तैयार कीजिए उसके बाद हम आप लोगों की प्रेजेंटेशन मिस्टर बेग के सामने रखेंगे पार्डन मी मिस्टर महाजन लेकिन दो दो प्रेजेंटेशंस क्यों क्योंकि आप दोनों अलग अलग तजुर्बे लेकर आते हैं आप दोनों की एक्सपर्टीज अलग अलग है आप दोनों के दृष्टिकोण अलग है और आप दोनों इस प्रोजेक्ट को अपने नजरिए से देखते हैं समझने की कोशिश कीजिए मैं आप दोनों को सही या गलत या कम आंकना नहीं चाहता मैं तो आप दोनों की ताकत को आप दोनों के प्लस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाना चाहता हूं आप दोनों की खूबियों को जानने का मुझे इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा और इस तरह मिस्टर बेख का भरोसा हम पर कायम रहेगा तो जाइए आप दोनों अपनी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए श्योर मिस्टर महाजन थैंक यू दादा बाबू इसी मौके की तो तलाश थी मुझे अब इस मौके का इस्तेमाल मैं गार्गी ताई जी को तोड़ने में करूंगी फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क आवर प्रेजेंटेशन इज डन आई एम श्योर इस बार मिस्टर बेग को हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आएगी DJ, what happened? This presentation is not going to work, Koel. मुझे युक्ति की प्रेजेंटेशन देखनी है. But why? Because दादा बाबू ने मुझे और युक्ति हम दोनों को उस पोर्ट के लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा है. It's an open challenge between me and that युक्ति मुल्तानी. And you know me, Koel. मुझे हारना पसंद नहीं और उस युक्ति मुल्तानी से never. Course, DJ. तुम उस युक्ति मुल्तानी से नहीं हारोगे पर वैसे भी हमने हर टॉपिक अपनी प्रेजेंटेशन में कवर कर ही लिया है आवर प्रेजेंटेशन इज गुड डोंट वरी ओके मेरे बेबी को युक्ति मुल्तानी की प्रेजेंटेशन चाहिए राइट I'll get it for you. Yes, sir. तुमने अभी कोयल वर्मा की काबिलियत आजमाई कहाँ है डीजे तुम अपनी ब्लैक कॉफी पीते रहो I'll just come. और तब तक अपना ये ग्रंपी फेस प्लीज चेंज इट आई डोंट लाइक इट दिस वन Yeah, that's my baby. I love you. I love you. I'll just go. Koel, come in. हेलो मिस मुल्तानी हाय प्रेजेंटेशन पर काम कर रही है ना पीजे ने फाइल भेजी है प्रोजेक्ट्स के कुछ पॉइंट शेयर किए हैं आफ्टर ऑल जैसा कि दादा बाबू ने कहा है कि आप दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड स्पेशली मिस्टर बेग को पसंद आनी चाहिए और फिर प्रोजेक्ट की भलाई भी तो इसी में है नहीं श्योर आई विल चेक इट आउट या What happened? It's bleeding. Yeah. पर मैं भी इतनी careless कैसे हो सकती हूँ? मुझे table ही नहीं दिखाई दिया ये. Oh God. That's okay. मैं first aid लेके आती हूँ. One second. No. Miss Multani. आप pantry से हल्दी ला सकती हैं. वो मम्मी जी के चक्कर में मैं भी ये देसी इलाज में believe करने लगी हूँ. So please. I'm so sorry, Miss Multani. मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ? मैं खुद ले लूँगी.
No, Koyal, please. You wait here. If you go, it will bleed more. And yeah, you're right. Haldi se blood flow rukega aur antiseptic bhi hai. Main haldi leke aati hu. Please take it. Thank you so much. यही सही मौके की तलाश में थे हम जुगती मुल्तानी वहां मीटिंग में और हम यहां इन सब तो हम खुद से पता कर ले बे बस एक करू चिड़िया ना हमारे हाथ में आ जाए नहीं चालती है जैसी गाय से पेट नहीं छिपता वैसे ही हमसे कोई राज छिपे नहीं सकता है ये क्या जासूसी कर रही है यहाँ? हे भगवान, अगर इसके हाथ कुछ लग गया, तो मेरी बेटी युविका की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या करूँ मैं? देख साहब, हम आपका फैसला जानना चाहेंगे। आप इन दोनों की प्रेजेंटेशन में से किस प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? दोनों प्रेजेंटेशन में से दूसरा प्रेजेंटेशन हमें बहुत पसंद है। मिस युक्ति की प्रेजेंटेशन को फाइनल करते हैं। जब दो पार्टनर सेल्फलेस होकर किसी प्रोजेक्ट को लीड करें तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने से भला कौन रोक सकता है डीजे साहब। कांग्रेचुलेशंस आपको मेरी तरफ से डीजे साहब। आपकी मेहनत, लगन और बिजनेस की समझदारी को मैं आज मान गया। आई नो मिस्टर बेग, आप चाहते थे कि मैं इस प्रोजेक्ट को लीड करूं, बट लास्ट मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ। आई डोंट नो द डिटेल्स एंड ऑनेस्टली मुझे वो डिटेल्स जाननी भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उस मीटिंग के बेसिस पर ना दिग्विजय को लेकर एक ऑलरेडी ओपिनियन बना लिया है, विच इज़ कि दिग्विजय इज़ नॉट केपेबल एंड ऑनेस्टली वो सही नहीं है। एंड आई फील ऐसे बिजनेस डील्स में ना एक प्री अजम्पशन लेकर चलना 100% सही नहीं है। एंड ऑनेस्टली दिग्विजय का विजन और उसकी सोच काफ़ी अच्छी है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दिग्विजय को एक फेयर चांस दें। यू नो, ये बायसनेस को तोड़ने के लिए दिग्विजय और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे की प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करेंगे, यू नो, सो दैट यू कैन सी हाउ केपेबल दिग्विजय इज। एंड आई फील आपको दिग्विजय को वो एक चांस उसकी मेहनत को देखकर देना चाहिए।
That's it. मुझे बस आपसे इतना ही कहना था. इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है डीजे साहब. मिस मुल्तानी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंटेशन मेरे सामने पेश करेंगे ताकि मैं एक फेयर डिसीजन ले सकूं. ग्रीन एनर्जी और उससे जुड़ी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कैंपेन्स चल रहे हैं. उन इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करके आपने ये साबित कर दिया कि आपकी सोच कितनी फ्यूचरिस्टिक है. मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ डीजे साहब. और मिस मुल्तानी ने तुम्हारी प्रेजेंटेशन पिच करके ये दिखा दिया कि जिस तरह प्रोजेक्ट की बेटरमेंट के लिए आप दोनों सेल्फलेस होकर साथ में काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू. वेल डन मिस मुल्तानी, वेल डन दिग्विजय. तुम दोनों पर मुझे बहुत नाज है. भानु प्रताप जी, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं. फिर जल्द मिलेंगे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए. आइए वीर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं. ये क्या खेल खेल रही है? ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम जीत कर भी हार गए हैं? अब बारी है मुझे मेरा अगला दांव खेलने की. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.